दोस्तों समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है और जो समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही कामयाब होता है। अगर मैं अब बात करूं आज के सिनेरियो की, तो हम सबको पता है कि पार्टीज करना हम सबको बेहद पसंद है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टीज को लेकर बहुत पार्टिकुलर होते हैं, पार्टी थ्रो करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और पार्टी अगर किसी की पार्टी में जाना है तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और पार्टी एनिमल जिनको कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इवेंट मैनेजमेंट की तरह है ये, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइज करना आप कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट से थोड़ा सा छोटा है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कम लगेगी। तो चलिए बिना देर के आपको आज इस बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप पार्टी ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पहलुओं का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, कैसे करें पार्टी ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस की शुरुआत। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हैं जिसमें हर दिन आप बहुत एंजॉय कर सकें, हर दिन नए नए लोगों से मिले, तो आप पार्टी ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये पता करें कि आपके घर के आसपास या आपके दोस्त के जान पहचान में कोई है जो अपने घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो आप उनसे बात करें कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मौका आपको दिया जाए। यदि आप किसी छोटी पार्टी से शुरुआत करते हैं तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, किस किस बातों का ख्याल रखना होगा। इससे यदि आपसे कोई गलती भी हो जाए तो छोटी पार्टी में उसे मैनेज किया जा सकता है, जिससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। यदि आपका काम लोगों को पसंद आया तो वो आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो अब बारी आती है कि कैसे आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो मद्देनजर रखनी होंगी जिसमें आपको ये पता चल सके कि आपका जो बिजनेस है पार्टी मैनेजमेंट का वो कैसे सबके सामने फेमस हो जाए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी ताकि लोग आपके पास ही आके अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कराएं। तो उसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हाँ ज़रूर देखिए, आपके काम ज़रूर आएगी। पार्टियों में इन चीज़ों का रखना होगा खास ख्याल। खाना, जब आप किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहले लोगों के खाने का ध्यान रखें। आप चाहे तो पार्टी में पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चाउमीन और कई तरह के खानों की चीजें रख सकते हैं। साथ ही आप वेज और नॉन वेज के मेन्यू को भी रख सकते हैं। याद रहे, खाना हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे में यदि खाने की क्वालिटी खराब हुई तो आपकी पूरी पार्टी खराब मानी जाएगी। केक, यूथ को ध्यान में रखते हुए केक को सिलेक्ट करें। याद रखें, पार्टी कोई भी हो, केक की डिमांड अधिक होती है। बर्थडे, सालगिरह, वेडिंग, रोमांटिक डेट आदि जगहों में तो केक चाहिए ही होता है। साथ ही पार्टियों में कपकेक की भी बड़ी डिमांड होती है। पार्टी की थीम, एक ही तरह की पार्टी करके लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे में जरूरी है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएं। इसके लिए आप नई थीम सोच सकते हैं और उस थीम से पार्टी को सजा सकते हैं। जगह, पार्टी ऑर्गेनाइज ऐसी जगह करें जहां आप आसानी से बैठ अपने थीम को अप्लाई कर सकें। लोगों के बैठने के लिए, डांस करने के लिए या प्राइवेट टाइम स्पेंड करने की पूरी जगह मिल सके। साथ ही पार्टी ऐसी जगह होनी चाहिए जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी सुरक्षित हो। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कई तरह की पार्टियों का आयोजन होटल या फिर छोटे बैंक्वेट हॉल में होता है, इसलिए आपको अपने शहर के उन सभी होटल्स और बैंक्वेट हॉल के संपर्क में रहना होगा। सजावट के चलते ही पार्टी में आए लोगों को अपने काम से आप खुश कर सकते हैं और ग्राहक बना सकते हैं, इसलिए पार्टी की सजावट जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर करें। याद रखें कि पार्टी की सजावट हमेशा एक थीम के हिसाब से करें। पार्टी की सजावट के लिए आपको गुब्बारे, बैनर, पार्टी ब्लॉवर्स, हैट, वॉल सजावट या कटआउट जैसी चीजों की जरूरत होगी। बैठने की उचित व्यवस्था, अक्सर आपने ये शिकायत देखी होगी कि यदि आप कहीं किसी पार्टी में गए हों, वहाँ बैठने की जगह बहुत कम हो या उचित व्यवस्था ना हो तो आपको पार्टी में मजा नहीं आता। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि बैठने के लिए उचित व्यवस्था करें। कुर्सी, सोफा या पुराने जमाने की तरह बैठ कर का बना सकते हैं। वैसे लोग अब अधिकतर पुराने जमाने जैसा या राजा महाराजाओं जैसा थीम काफी पसंद करते हैं। डीजे, आगे में बात आती है डीजे की, तो सभी तरह की पार्टीज में डीजे की जरूरत पड़ती है और आपको डीजे भी इन पार्टीज में लगवाना होता है। साथ में डीजे वाले को पार्टी के दौरान बजाने वाले गानों की सूची भी मुहैया करानी होती है। याद रखें, पार्टी में मनोरंजन के जितने अच्छे इंतजाम होंगे उतना ही मजा आएगा। किसी भी पार्टी में संगीत एक अहम योगदान देता है, इसलिए म्यूजिक का अच्छा इंतजाम करें।
तो पार्टी ऑर्गेनाइज कैसे करनी है ये तो आपको पता चल गया होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में किसी की बर्थडे पार्टी मनाते हैं, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी मनाते हैं, या फिर कोई भी आप पार्टी थ्रो करते हैं, काफ़ी हद तक वैसा ही है। लेकिन अगर आपको शौक है पार्टी ऑर्गेनाइज करने का या फिर पार्टी थ्रो करने का, तो आपके लिए बिज़नेस बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सोच के देखिएगा इस बिज़नेस पर और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।